गुड इवनिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। मोटे तौर पे बात करें तो मैटर पांच खास किस्मों में पाया जाता है, जिनमें से चार नेचुरल अकरिंग हैं यानी कि प्राकृति में पाई जाती हैं और एक मैन मेड है यानी कि आदमी द्वारा बनाई गई है। बात करें इन पांच स्टेट्स की तो इनमें से चार जो नेचुरल अकरिंग हैं उनमें सॉलिड, ल्यूकर्ड और गैसियस स्टेट, इन तीन स्टेट्स के साथ हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिद्दोजहद लगी रहती है। हम इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और इनका अपना महत्व है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन जो चौथी स्टेट है नेचुरल अकरिंग प्रकृति में जो पाई जाती है वो है प्लाज्मा स्टेट, और इसका भी अपना महत्व है क्योंकि अबाउट 99% जो विजिबल यूनिवर्स है वो प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। और उसके बाद जो एक मैन मेड स्टेट है मैटर की वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं पहली चार नेचुरल अकरिंग स्टेट्स की, तो उसमें सबसे पहले आपका सॉलिड रहता है। और पिछले लेसन में जब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जिनका कि मैटर बना होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड में जो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं होती। पार्टिकल जो सॉलिड में होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसलिए इनके बीच में स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं होती, ना मात्र के बराबर होती है। अगर स्पेसिंग नहीं होती तो जैसे जो सॉलिड्स हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वी कांट कंप्रेस सॉलिड्स। तो अगर इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब हुआ कि ये डेफिनेट शेप और वॉल्यूम बनाए रखते हैं। तो इसी को देखते हुए हम सॉलिड को डिफाइन करेंगे और आपको सॉलिड दिखा भी देते हैं कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। ये मेरे पास डंबल पिछले लेसन में भी आपको दिखाया था, इसमें आप हाथ डाल के देखिए बीच में नहीं घुसेगा, कुछ भी बीच में नहीं घुसेगा। आप घुसा के देखिए इसका मीनिंग, ये क्यों नहीं घुस रहा, क्योंकि इसके बीच में इनके पार्टिकल्स हैं जो उनके बीच में स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं है, ना मात्र है, इसलिए इनके बीच में कुछ घुसता नहीं है। जब स्पेसिंग नहीं है तो ये कंप्रेस भी नहीं होते। आपको दबा के दिखाता हूँ, ये कंप्रेस नहीं होगा और इसकी शेप भी चेंज नहीं हो रही और इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी को देखते हुए हम सॉलिड स्टेट को डिफाइन करते हैं। वी कैन डिफाइन सॉलिड स्टेट एज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बाय स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सच दैट देयर इज नो स्पेसिंग आर नेग्लिजिबल स्पेसिंग इन द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेंस द सॉलिड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड Thus, they have definite shape and volume. इसी की तरह पे हम ल्यूकर्ड की डेफिनेशन करेंगे। और पिछली डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने आपको दिखाया भी था कि जो ल्यूकर्ड के पार्टिकल हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है, लूजली पैक्ड इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है और उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है। उसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, हम हाथ भी बीच में डाल सकते हैं और जब थोड़ा सा हम सोप या डेटोल या फिर कुछ नील वगैरह किसी ल्यूकड़ में डालते हैं, जैसे वाटर में डालते हैं, तो ये नील हर एक जगह आप देख सकते हैं इस ल्यूकड़ में फैल जाएगा, जो ये शो करता है कि ल्यूकड़ के पार्टिकल में स्पेसिंग होती है। थोड़ा सा नील इस सारे ल्यूकड़ में फैल गया और अगर मैं बाल्टी पानी भी लूँगा तो उसमें भी ये नील हर जगह फैल जाएगा। ये शो करता है कि ल्यूकड़ के पार्टिकल में स्पेसिंग होती है, लूजली पैक्ड और स्पेसिंग होती है, कंप्रेसिबल होते हैं, ज़्यादा तो कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। और इसलिए क्योंकि ये कंप्रेसिबल होते हैं इनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, तो वी कैन से दैट दे कांट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम।
इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रह सकता। इसी को देखते हुए हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ल्यूकड स्टेट ऑफ मैटर आर लूजली पैक्ड सच दैट दे हैव स्पेसिंग इन बिटवीन एंड दस दे आर कंप्रेसिबल। इफ दे आर कंप्रेसिबल देन दे कांट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सो वी कैन डिफाइन द ल्यूकड स्टेट ऑफ मैटर इन सच ए वे। उसके बाद हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को भी इसी तर्ज पे डिफाइन करेंगे। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी स्पेसिंग होती है, और काफ़ी स्पेसिंग होने की वजह से काफ़ी कंप्रेसिबल भी होते हैं, करके भी दिखाते हैं आपको। और काफ़ी कंप्रेसिबल होने के साथ साथ अगर ऐसा है तो आपको मालूम है अगर कंप्रेस हो जाएंगे वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और शेप भी चेंज हो जाएगी। यानी कि गैसियस स्टेट ऑफ मैटर आर ए मैटर विच इज इन गैसियस स्टेट कांट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दिस इज योर गैस, आपके सामने मैंने फिल की इस बैलून में, लूजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, कंप्रेस किए जा सकते हैं। देखिए कंप्रेस हो रहा है बड़े मज़े से, और सॉलिड भी देखिए, लिया था सॉलिड भी, इसको भी कंप्रेस करते हैं, इसको भी करते हैं, ये देखिए सॉलिड की शेप चेंज नहीं हो रही, लेकिन गैसियस स्टेट में जो एयर मैंने फिल की है बैलून में, वो उसकी शेप चेंज हो रही है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम डिफाइन कर सकते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को, वी कैन डिफाइन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी वेरी लूजली पैक्ड such that there is large interparticle spacing and thus the gaseous state of matter can be easily compressed. If it's so, then we can say that the gaseous state of matter can't have definite shape and definite volume, जो मैंने आपको demonstration में भी बताया। तो ये थी आपकी तीन states, solid, liquid और gaseous state। इसके ऊपर हम एक अलग से लेसन लेके आएंगे जिसमें हम इन तीनों के बीच में जो मेन मेन डिफरेंस होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे बड़े ही डिटेल से। उस लेसन को भी ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के पिछले सारे लिंक्स और अगले जो भी लिंक्स होंगे वो डाल दूंगा। अब प्लाज्मा, जो मैंने आपको बोला फोर्थ नेचुरल अकरिंग स्टेट है, जिसका 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा स्टेट। ये प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है 99% जो विजिबल यूनिवर्स हमें दिखता है, जो रात को हमें स्टार्स जगते हुए दिखते हैं, नेबुलास दिखते हैं, वला वला, वो सारा का सारा प्लाज्मा स्टेट में है। अगर हम प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो मोटे तौर पे मैं आपको बताऊंगा, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर इज सुपर हॉट स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर सुपर हॉट स्टेट। थोड़ा सा हम पीछे से इसको कंपेयर करके आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है जब हम ल्यूकड में एनर्जी ऐड करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। और जब हम गैस को बॉइल करते हैं, सॉरी हीट करते हैं, इतनी ज़्यादा हीट गैस में ऐड करते हैं, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी ऐड करते हैं कि जो उस गैस के एटम होते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे बाहर चले जाते हैं, उड़ के बाहर चले जाते हैं जैसा मानो, तो वो एक आयोनाइज्ड गैस जो बनती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट इज द सुपर हॉट स्टेट ऑफ द मैटर, जस्ट सो हॉट दैट द इलेक्ट्रॉन गेट्स रिप्ड अवे फॉर्मिंग एन आयोनाइज्ड गैस। तो ये प्लाज्मा जो स्टेट है वो सुपर हॉट स्टेट है, आपने इतना याद रखना है, ध्यान रखिए सुपर हॉट स्टेट, इतनी हॉट कि गैस के जो एटम हैं वो उनमें से इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर चले जाते हैं, आयोनाइज्ड गैस हमारे पास बच जाती है और एक सूप, एक आयंस का पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास बचता है, बनता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट।
99% विजिबल यूनिवर्स प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। अब आखिरी स्टेट ऑफ मैटर जो मैन मेड है, जिसे हमने डिस्कस करना है, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिस तरह से प्लाज्मा सुपर हॉट स्टेट है, इसको आपने याद रखना है, दिस इज सुपर कूल स्टेट, यानी कि ये सबसे ठंडी स्टेट है। इतनी ठंडी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो गैस ऑफ बोजॉन्स है, बोजॉन क्या होते हैं वो भी आपको बताएंगे, एट वेरी लो डेंसिटी, काफी कम डेंसिटी में इस बोजॉन्स की जो गैस है, इसको हम ठंडा करते हैं किस टेम्परेचर तक, एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मानो तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब इसको गैस ऑफ बोजॉन काफ़ी लो डेंसिटी पे सुपर कूल किया जाता है, उस टेम्परेचर पे लाया जाता है -273 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस समय जो हमारे पास मैटर बनता है उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये भी एक अलग स्टेट है मैटर की, जिससे जो कि मैन मेड है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सुपर कूल स्टेट, प्लाज्मा सुपर हॉट स्टेट, और अब बोजॉन क्या होते हैं, मैंने आपको बोला था कि बताते हैं आपको बोजॉन क्या होते हैं। बोजॉन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जो एटम के बीच पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम बोजॉन्स कहते हैं। बोजॉन्स की जो स्पिन रहती है वो इंटीग्रल रहती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और उसके साथ साथ बोजॉन्स जो होते हैं पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं SN बोस द्वारा दी गई स्टैटिस्टिक्स में। तो ये थे हमारे पांच स्टेट्स ऑफ मैटर, चार नेचुरल अकरिंग, एक मैनमेड, लेकिन हमारे काम की ये तीन हैं जो हमने इस समय तक डिटेल में पढ़नी है, और उसमें हम एक अगला जो लेसन लेके आ रहे हैं उसमें मैं आपको इन तीनों को बड़े ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, इनके बीच में जितना भी अंतर होगा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लेके, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूडिटी को लेके, वो सारा हम आपको अच्छे से समझाएंगे, कैनेटिक एनर्जी, स्पेसिंग, कंप्रेसिबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को लेके। आज के लिए इतना ही, आशा है कि आज के लेसन में जो हमने बातें डिस्कस की वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आगे कहीं आ सकते हैं और आपको वो भी चीज़ बड़े ही डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए। और भी अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक आपको समझना है, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको भी लेके हम आएंगे आपके लिए एक अलग वीडियो में। लेकिन आज के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर देना नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, आप उसे देख पाएँ, आप कुछ ना कुछ सीख पाएँ। अब दीजिए इजाज़त, टेक केयर।